वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेजमीड एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन टॉपिक। व्हाट बाई प्लाज फेजमीड, या इसी बोलते हैं, फेजमीड भी बोलते हैं और फेसमीड भी बोलते हैं, वो दोनों सेम ही है। एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर। फेसमिड आर हाइब्रिड कम्बिनेशन ऑफ फेज एंड प्लाज्मिड। वहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने किसकी बात किया था, आपके कॉस्मिड की हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कॉस्मिड का होता है हाइब्रिड होता है किसका, लेमडा फेज और प्लाज्मिड का। यहाँ पे भी कम्बिनेशन किसका होता है, फेज और प्लाज्मिड का। फेजमिड इज ए प्लाज्मिड डैट कंटेन एफ आई वर्जिन ऑफ रेप्लीकेशन फ्रॉम द एफ वन प्लाज्मिड। एफ वन प्लाज्मिड की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एफ वन प्लाज्मिड का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो ये ऐसा प्लाज्मिड है जो कंटेंट कौन होता है, एफ वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन फ्रॉम द फ्रॉम एंड एफ वन फेज, ये इंपॉर्टेंट। इट कैन बी यूज एज ए टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन कंबाइनिंग विथ फिलामेंटस फेज एम थर्टीन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हम लोग यूज करते हैं किस तरह की क्लोनिंग के लिए, ए कम्बिनेशन विथ फिलामेंटस फेज एम थर्टीन। फेजमेड कैन बी रिप्लीकेट एज ए प्लाज्मिड एंड ऑल्सो पैक्ड एज ए सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए मालिक्यूल इन वायरल पार्टिकल्स। द फेज डी एन ए कैन बी रिप्लीकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फेज रिप्रोडक्शन फॉर म्यूटाजेनेसिस एंड एम्पलीफिकेशन। तो फेजमिड जो आपके होते हैं रिप्लीकेट कैसे होते हैं, जैसे प्लाज्मिड आपका होता है एग्जैक्ट वैसे रिप्लीकेट होता है, और इनकी जो पैकिंग होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की पैकिंग आपकी होती है वायरल पार्टिकल में। जैसे वायरल की जो पार्टिकल होता है कैप्सिड है टेल है, तो उसमें जो पैकिंग होती है वहां पे क्या होता है, फेजमिड में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपका होता है। वर्ड एक की वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेजमिड जो होता है सेल्फ रिप्लीकेट करता है, इंडिपेंडेंटली रिप्लीकेट करता है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, माने फेज प्रोडक्शन फॉर म्यूटाजेनेसिस एंड एम्पलीफिकेशन। तो देखा जाए फेजमिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये, आपका कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है किसका, एम थर्टीन फिलामेंटस एम थर्टीन फेज एंड प्लाज्मिड का। फिलामेंटस या फेज एम थर्टीन और प्लाज्मिड को हम ऐड कर देते हैं, वो हाइब्रिड जो वेक्टर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजमिड। और फेजमिड क्या होता है, रिप्लीकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फेज प्रोडक्शन फॉर म्यूटाजेनेसिस एंड एम्पलीफिकेशन। म्यूटाजेनेसिस और एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेजमिड डीएनए क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फेजमिड की यहाँ पे देखा जाए, आपको स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा, तो फेजमिड की हम लोग बात करते हैं। तो देखा जाए ए आपका पार्ट है, ए आपका एम्फेसिलिन रेजिस्टेंस जीन मार्कर है, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओरिसाइट है, ए आपका एफ वन ओरिसाइट है। देखा जाए ए आपका अलग वेरिसाइट है, ये आपका अलग, ए ओरिसाइट लिया गया किससे, आपका एफ वन आपका फेज से, ये फेजमिड हो गया। यहाँ से देखा जाए पूरे आपका जो जीन आपका होता है, यहाँ पे देखा प्रमोटर है, यहाँ पे सिग्नेचर सिग्नल आपके होते हैं, कोड प्रोटीन होते हैं और डिस्प्ले पेप्टाइड्स आपके, तो ये पूरा पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पे ये चीज इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं, फेजमिड इज ए प्लाज्मिड डैट कंटेन एफ वन वर्जिन ऑफ रिप्लिकेशन फ्रॉम एफ वन फेज। यहाँ पे देखा जाए माने इसका आपका प्लाज्मिड का ओरिसाइट तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एफ वन का भी क्या है, ओरिसाइट आपका है। इट कैन बी यूज एज ए टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन कंबाइनिंग विथ फिलामेंटस फेज एम थर्टीन। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, और ये क्या करता है, सेल्फ रिप्लीकेट करता है वायरस की पैकिंग जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्मिंग हो जाए, अभी हम लोगों ने डिस्कस इसको किया। अब यहाँ पे देखा जाए फेजमिड का एक क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे है, डेट द प्रमोटर रीजन सिग्नल पेप्टाइड, ये आपके रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं जहाँ पे हमको डीएनए मॉलिक्यूल जो टारगेट मॉलिक्यूल है ऐड करते हैं, टैग हो गया, एक कोड प्रोटीन हो गया। जब हम लोग इसको किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करते हैं होस्ट में, तो ये क्या होता है, यही आपका कोड प्रोटीन जो होता है वायरस के कोड को सिंथेसाइज करता है। ये इंटीग्रेटिंग रीजन होता है, यही होस्ट के साथ जीनोम होता है, ये सिलेक्टिव मार्कर आपके होते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक हो सकता है। और यहाँ पे कहते हैं रिप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन प्लाज्मिड का आपका है रिप्लीकेशन, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द फेजमिड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कैसे आपका फेजमिड वीरियंस कैसे बनाए जाते हैं। इसमें देखा जाए ये आपका प्रमोटर रीजन हो गया, सिग्नल डिस्प्ले पेप्टाइड आपका ये हो गया,
ए पार्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ए फेजमिड हो गया, और देखा जाए ए आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर हो गया, ए एफ वन या बोलते हैं फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज वर्जिन, और ये प्लाज्मिड वर्जिन, ये दो वर्जिन आपको होता है वर्जिन। बाकी अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जितने भी बैक्टीरिया पढ़े हैं उसमें क्या देखा है कि वर्जिन ओरिसाइट का था एक होता है, लेकिन जो फेजमिड होता है इसमें टू ओरिसाइट होता है, एक ओरिसाइट कहाँ से आता है प्लाज्मिड से, और दूसरा ओरिसाइट कहाँ से आता है फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज M13 से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू TG1 इक्वलाइजेशन, जो ये आपका फेजमिट है जिसमें हमने ये आपको जो जीन है इंसर्ट कर दिया गया है, वो जीन क्या करते हैं हम लोग वहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे सुपर इन्फेक्शन विथ हेल्पर फेज आपके होते हैं, और ये देखा जाए यहाँ पे ये आपके पूरे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखा जाए पूरा आपका स्ट्रक्चर, ये देखा जाए ऊपर का क्या पार्ट होगा उसका एक्सटर्नल पार्ट हो गया कैप्सिड हो गया, ठीक, ये देखा अंदर ये जो आपका राउंडेड स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ पे सेम आपको एग्जैक्ट है। तो देखा जाए यहाँ पे ये क्या होगा फेजमिड विरियाओं से पूरा क्या हो गया बन के, मतलब ये आपका ऊपर कैप्सिड पार्ट हो गया, और ये आपका क्या है आपका ये पार्ट होता है जहाँ पे जीन कैरी, अब देखा जाए जीन आपके कैरी हो रहा है, ये आपका क्या हो गया फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज वर्जिन, और ये आपका क्या हो जाता है प्लाज्मिड वर्जिन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फेजमिड की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, दो होते हैं ठीक, लाइक जेड जीन होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और एम्फेसिन रेजिस्टेंस जीन मार्कर ये आपके होते हैं, ये आपको हम किसके लिए यूज करते हैं, यूजर कॉलोनी वेक्टर सीक्वेंस इन वेक्टर एक्सप्रेशन, वेक्टर एंड सीक्वेंस इन वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए। इसका एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिंगल और डबल स्टैंडर्ड मटेरियल विदाउट एनी रिक्लोनिंग, कोई हम रिक्लोनिंग करने का, तो इसमें क्या है दोनों हम लोग सिंगल और डबल स्टैंडर्ड मटेरियल दोनों यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चीज। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की बात करेंगे, जो आपके चाहे जो भी बच्चा चाहे बीटेक बायोटेक का हो चाहे बीएससी एमएससी एमटेक हो वो से और आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो ये बहुत केयरफुली आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि आपका एक शेयर किसी का भविष्य बना सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।